और देखिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन डर गए हैं और इसलिए विधायकों का जमावड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन पिछले चार वर्षों में हुए 7,000 करोड़ के घोटालों का जवाब तो उन्हें देना होगा। 7 संबंध तक बहाने बनाते रहे ईडी के, लेकिन जब ईडी ने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे, तब उनकी हेल्प निकल गई और तब उन्होंने ईडी को अपने घर बुलाया, कार्यालय भी नहीं। जैसे राजवंशी राजकुमार की बिहेवियर होती है उसी तरीके से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का बिहेवियर था। और आज उनसे पूछताछ हो रही है, पूछताछ के ठीक पहले उन्होंने अपने घटक दलों की बैठक बुला ली, मंत्रियों को बुला लिया, विधायकों को बुला लिया। हमारा मानना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ईडी के संबंध से भागते दिख रहे हैं, साफ तौर पर इन सारे घपले घोटालों के तार उनसे जुड़े हुए हैं। और ईडी के सम्मन के बाद आज जो ईडी से उनकी पूछताछ होगी, ये संभवतः इनके राजनीतिक जीवन की अंतिम अध्याय की शुरुआत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।